अच्छा, मैं अगर अपने किस्से से आपकी शुरुआत करूं, अपने अपने आप बीती से शुरुआत करूं, तो मैं नाम नहीं लूंगी। मैं एक स्टूडियो में थी, मैं स्टूडियो से बाहर निकली और उस स्टूडियो के करीब बहुत सारे और स्टूडियोज थे। कौन सा चैनल था, कौन सी जगह थी, वो मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं अपना एक आई डोंट नो एक्टिंग का था काम या होस्टिंग का था, मुझे याद नहीं, काफ़ी सालों की बात है। मैं उस स्टूडियो से निकली तो मुझे आवाज़ आई यासिर की, निदा निदा ऐसे करके ना, बकायदा जैसे यासिर मुझे छेड़ने के लिए करता है। मैंने मैंने कहा लो जी, मुझे ये लेने आ गया भाई। मैं तो बड़ी खुश हुई। मैंने पीछे देखा, कोई भी नहीं। फिर मैंने आगे देखा, कोई भी नहीं। अब मेरे बराबर में एक स्टूडियो था जो बिल्कुल अंधेरा था, जो बिल्कुल खाली था। मैंने कहा शायद यहाँ छुपा हुआ है। मैंने जाके स्टूडियो के अंदर देखा, यूं गौर से अंधेरा घुप। उसके बाद ना मेरे कोई आगे, ना मेरे कोई पीछे, ना दाएं बाएं, और सन्नाटा। और वो यासे की आवाज मेरे कानों में गूंज रही। मैं तो जो दुम दबा के भागी हूं किसी तरह गाड़ी तक, और मेरा जो हाल हुआ है, तो मैंने खुद मतलब पर्सनली ये चीज़ जो है एक्सपीरियंस की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की हैं जिनके क्लिप्स तक मेरे दिमाग में महदूद हैं। वह बचपन में भी कभी हम छुट्टी पे मरी गए हैं या कहीं और गए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे दिमाग में नक्श हुई हुई हैं। और जब मैं जिक्र भी करती हूँ तो मुझे एकदम मतलब लाइक घबराहट शुरू हो जाती है। ज़िंदगी में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है, कुछ अनहोनी हुई भी होती है। उसको लगता है कि कुछ कोई है, और आगे पीछे वो देखता है तो होता नहीं है कोई। अक्सर आप अकेले कमरे में बैठे होते हैं, आपको साए नजर आना शुरू हो जाते हैं, आपको आवाज़ आना शुरू हो जाती है। फिर पता चलता है कभी कभार कि अच्छा, वो तो पंखे की आवाज़ थी। ओके, वो तो बराबर वाले घर से दरवाजे की आवाज़ आई थी। तो कभी कभार आपका वहम भी होता है, लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में कुछ रियलिटीज़ भी होती हैं। बस यही बात आज मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्योंकि जब हम शूटिंग्स पे बैठते हैं ना, शूटिंग पे बाकायदा एक सेशन होता है। सारे जब फारिक टाइम होता है, सारे सेलिब्रिटीज़ बैठ जाते हैं और अपने अपने किस्से एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज कुछ इस तरह करें, आप अपनी कोई ना कोई बात टेलीफोन कॉल के ज़रिए हमसे शेयर करें। हम अपनी बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे पास हमारे दिमागों में नक्श है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। और डरने की बात नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह ने हमें कुरान शरीफ इतनी ऐसी रिस्पेक्टेबल किताब है जो हमारे साथ है, उसका साया हमारे साथ है, तो हम महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। गौर से आज का प्रोग्राम देखिएगा और अपनी कोई भी ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code, then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat.